अस्सलाम गाइस, क्या हाल चाल है? आप लोगों के ठीक ठाक हो? सब लोग खैरियत से हो? तो आज एक खबर लेके आऊँ, एक न्यूज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, पबजी वालों की तरफ से है, और एक मतलब के बुरी खबर भी है। और पहले तो भाई सुन लो अच्छी खबर। अच्छी खबर ये है कि पबजी वाले अब जो है ना, खुद मैदान में कूद पड़े हैं कि भाई हमने मतलब पबजी को बैन करवाना है। और मेन सीन ये हुआ है कि मतलब पीटीए वालों की तरफ से जो न्यूज़ ये थी कि पबजी को टम्परेरी अनबैन किया जाएगा, जो कि मतलब सारा सीन देख लिया था उन्होंने। एफएस वाले गए हुए थे पीटीए के ऑफिस, तो उन्होंने सारा सीन देखा है। और सॉरी, पीटीए वालों ने कहा था कि मतलब टम्परेरी हम लोग अनबैन करेंगे, चांसेस थे। मतलब उन्होंने डायरेक्ट किसी जब पोस्ट नहीं किया, ट्वीट वगैरह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब चांसेस थे कि पबजी टम्परेरी अनबैन हो जाएगी, जो कि परसों की न्यूज़ है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है सीन के, वो जो मतलब एयरिंग थी ना, वहाँ पे पबजी वालों का ऑफिशियल पबजी की तरफ से एक बंदा वहाँ पे आया हुआ था, और उसने सारी डिटेल्स वगैरह दी हैं पबजी वालों को। और पबजी वाले मतलब डायरेक्टली बात कर रहे हैं अब पीटीए वालों की तरफ, पीटीए वालों को, कि भाई हमारी मतलब गेम चलाओ, बैन आप लोग नहीं कर सकते, हमारी मतलब अर्निंग है, या इस तरह कुछ सीन। तो उसमें अब सीन क्या हो गया कि पबजी वालों ने कहा, सॉरी पीटीए वालों ने कहा कि पहली बात तो ये है कि आप डायरेक्टली हम लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो मतलब आपका जो ऐप है, जो गेम है आपकी, वो रजिस्टर होनी चाहिए। तो वो रजिस्टर नहीं है, अब नया रोला हो गया कि रजिस्टर नहीं है गेम। तो उसमें अब सीन क्या होगा कि पबजी वालों को पहले तो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, और जो टेम्परेरी बैन का था ना, वो मतलब के जो तरस खा के वो कर रहे थे वकार जगह भाई, और मतलब वो एफएस वाले गए थे उनकी वजह से तरस खा के मतलब कर रहे थे कि चलो ठीक है, टेम्परेरी अनबैन कर दी जाए पबजी के। टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे हैं वर्ल्ड लीग के, तो मतलब प्रो लीग इस चल रही है, तो उसमें मतलब टेम्परेरी अनबैन की जाए पबजी, क्योंकि बाजू का नुकसान हो सकता है इससे, तो वो मतलब खेल पाएँ। तो अभी क्या सीन हुआ है कि जैसे जैसे पबजी वाले मतलब इस चीज़ में घुस रहे हैं ना, वैसे वैसे पीटीए वाले भी गुस्से में आ रहे हैं। और आप पीटीए वालों ने डायरेक्ट बात कर दिया कि भाई रजिस्टर करवाओ, टैक्स दो, और तब गेम आपकी चलाएंगे हम, अनबैन करेंगे, उसके अलावा अनबैन नहीं करेंगे। तो अब यार सीन ये हो चुका है कि मतलब दोनों जो है ना, समझ लो दोनों पार्टीज गुस्से में आ चुकी हैं। पीटी वाले अब गुस्से में आ चुके हैं पूरी तरह से, वो कह रहे हैं कि सीधी सी बात है, टैक्स दो अनबैन कर देंगे, नहीं तो कोई सीन नहीं है। मतलब सीधी सी बात ये है कि पैसे दो भाई और मतलब काम करवाओ, ये सीन हो चुका है। और आप मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वर्ल्ड लीग खेल रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर्स, एफएस वाले मतलब फ्री स्टाइल वाले, तो उनकी मतलब प्रॉब्लम है मैन, और मैन और यार देखा जाए तो मतलब उन्हें कुछ जानता ही नहीं है एफएस वालों को, जो कि मतलब इस का केस लड़ रहे हैं, ठीक है। और अवकाश जगह भाई ने ठीक है वीडियोस वगैरह बनाई, मतलब एयरिंग वगैरह सुनी, सारा कुछ किया, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब अनबैन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैन जो हैं, वो जो केस लड़ रहे हैं, वो फ्री स्टाइल वाले हैं, एफएस वाले हैं। और एफएस ब्लैक स्टोरी परसों की थी शायद, तो स्टोरी लगी थी उसमें, ये उन्होंने कहा कि मतलब चांसेस हैं पबजी टेम्परेरी तौर पे अनबैन, टेम्परेरी तौर पे जो बैन लगा हुआ है वो बैन हट जाएगा, लेकिन फैसला अभी मतलब प्रॉपर फैसला नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेरी तौर पे जो बैन लगा है वो हट जाएगा। और अब सीन ये हो चुका है कि पबजी वाले कूद पड़े, खुद जो है ना मैदान में बहादुर बन रहे थे, अब जो है ना सबको मतलब नुकसान होगा इस चीज़ का। तो अब यार क्या हो सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जो पीटीए वालों की तरफ से थोड़ी सी नरमी थी, ठीक है यार तरस खा के कोई सीन कर दें, अब वो भी मतलब वो चीज़ भी नहीं रही, तो अब यार कुछ नहीं हो सकता। अब यही है कि देखो मतलब मंडे को ही जो कुछ होगा, मंडे के बाद ही होगा, तो उससे पहले तो चांसेस मतलब बहुत कम ही है कि पबजी अनबैन हो। तो अब अच्छी खबर यही है कि यार पबजी वाले डायरेक्ट जो है ना मतलब पीटीए से बात कर रहे हैं, तो अब चांसेस तो ज़्यादा हैं कि पबजी अनबैन हो जाएगी। लेकिन अब सीन ये है कि पबजी जल्दी अनबैन नहीं होगी, मतलब कि जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं हमारे, जो टीम टूर्नामेंट खेल रही है फ्री स्टाइल की, तो वो मतलब अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए, हो जाएगी अनबैन, लेकिन सीन ये है कि प्रॉपरली अनबैन होगी,
टेम्परेरी का जो सीन लगा हुआ है टेम्परेरी बैन वो नहीं हटेगा, मतलब प्रॉपरली फैसला हो जाएगा, प्रॉपरली फैसला हो जाएगा उसके बाद ही कोई सीन होगा। तो फैसला प्रॉपरली इतना जल्दी तो नहीं आएगा, हाँ मंडे के बाद ही, जब भी मलबान बैन होगी मंडे के बाद ही होगी। और मतलब इन्हें टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, मतलब पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, और पीटीए वाले मतलब पैसे वगैरह लेंगे तो ऑन बैन कर देंगे। पाकिस्तान है भाई, पैसा दो सब कुछ हो जाता है। चलो यार ये न्यूज़ देनी थी आप लोगों को, ठीक है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार मैं वो फ्री स्टाइल बोलूँगा लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उधर से लाजमी उन्हें यार फॉलो करें, सपोर्ट करें उन्हें, उन भाइयों को देखा जाए यार कोई जानता ही नहीं है उन भाइयों को जो मतलब केस लड़ रहे हैं, तो उन्हें यार लाजमी फॉलो करें। ठीक है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।